जी सत श्रीकाल जी सारे नू वेगनार लेके आए आपके लिए फिर एक पावर स्टीयरिंग नॉट वर्किंग। ये देखिए अभी मिस्त्री के पास आया, हमारे पास में मिस्त्री ने बहुत सारा काट पीट किया हुआ है, सब चेक किया, हमने भी चेक किया मल्टीमीटर से, सप्लाई सब आ रहा है ना, फ्यूज़ भी सब सही है, सप्लाई सब ठीक है। तो ये देखिए अभी इसमें अपन गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ये मॉडुलर स्टीयरिंग एकदम जाम है, ये देखिए घूम ही नहीं रहा है, टाइट है ना। अब हमने क्या किया, शॉर्टकट ही मारते अपन, ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना करें करके, तो एक गाड़ी मंगवाई जिसका पावर स्टीयरिंग चालू है, वो हमारे दोस्त की गाड़ी अलग साई सेम मॉडल, भी अलग साई, वो भी अलग साई, तो इसका मॉडलर निकाला हमने। ये देखिए इसका मॉडल निकाल के, ये मॉडलर निकाला इसका, अब इसको हम उस गाड़ी में लगा रहे हैं। ये गाड़ी पावर स्टीयरिंग चालू था एकदम, अपने दोस्त की गाड़ी अपने घर के पास में रहती है, तो अब इसका मॉडलर हमने निकाला, अब इसका मॉडलर हम इस गाड़ी में लगा रहे हैं जो हमारे पास आई है कंप्लेंट के लिए। ये देखिए इसमें हमने ये पुराना निकाल रहा है और ये मॉडलर लगा रहा है। ऐसा गाड़ियां हो तो धड़ाधड़ प्रॉब्लम सॉल्व हो, गाड़ियां नहीं रहती करके हम लोग बाहरी मैकेनिक फंसे रहते हैं, डायग्नोस करना पड़ता है और सामान ना होने की वजह से। अभी देखिए हमने मॉडल लगा लिया, वैगनार में क्या है कोई लाइट वाइट आती नहीं है। ये देखिए अब एकदम स्टीयरिंग फ्री हो गया, हमारा एक हाथ से काम कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ये ख़राब है, ये मॉडल हमने दूसरा लगा दिया, एकदम नया टाइप का है ये, दूसरा गाड़ी से निकाल के, तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एकदम। स्टीयरिंग हाथ से, एक हाथ से घूम रहे, देखिए मतलब ये मॉडल ख़राब है। तो सबसे पहले यही है कि अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं, कोई दोस्त यार की गाड़ी है तो उसका मॉडल निकालो और उसमें दूसरे गाड़ी में बदल के देख लो, ज़्यादा ताम झाम चेक करने से ज़्यादा नहीं है, तो फिर अपने को मल्टीमीटर की मदद से, टेस्टर की मदद से सब करंट चेक करने पड़ते हैं, कहाँ कौन सा करंट आता है, तो इनपुट आउटपुट सब चेक करके फिर आगे जा कर के वो डायग्नोस करना पड़ता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, गाड़ियाँ और भी खड़ी रहती है, इसलिए एक जगह गाड़ी में फंसे रहना बड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर गाड़ी है, कंपनी में भी हम काम कर चुके हैं मारुति स्काई में, तो वहाँ भी यही रहता है कि हमारे पास गाड़ियाँ होती है तो हम फटाफट दूसरी गाड़ी से निकाल के दूसरी गाड़ी में लगा करके देख लेते हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम जल्दी शॉर्ट आउट हो जाता है। तो कई बार नहीं होती गाड़ियाँ तो उसको फिर थोड़ा सा हमको वायरिंग वगैरह चेक करनी पड़ती। चलिए ठीक है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में। धन्यवाद सब आपको, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू दें ताकि मैं सारी वीडियो डालता रहूँ। और ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सबका।